द बोर्डिंग स्कूल, लास्ट कुंभरस, ये एक टीन ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो अमेजोन प्राइम पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज के टोटल 3 सीजन हैं, लेकिन मैंने अभी से भी सीरीज का सीजन 1 ही कंप्लीट देखा है। और सीजन 1 की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 45 से 55 मिनट के बीच की है। और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज के सीजन 1 को देखकर खत्म किया है। और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज के सीजन 1 को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज के सीजन 1 को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल की कहानी जो दूर पहाड़ों में जंगल के बीच मौजूद है। और इस बोर्डिंग स्कूल में माँ बाप अपने उन बच्चों को भेजते हैं जो नॉर्मल बिहेव नहीं करते हैं, जिनको प्रॉब्लम किड्स कहा जाता है। और ऐसे बच्चों की लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को इस खास बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं और यहाँ बच्चों पर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है। और इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स इस स्कूल से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन उन बच्चों का प्लान उस वक्त फेल हो जाता है जब जंगल में एक मिस्टीरियस एंटिटी एक लड़के को उठाकर अपने साथ ले जाती है। तो आखिर ये मिस्टीरियस एंटिटी कौन है और इस स्कूल के पास जंगल में क्या छुपा हुआ है और क्या लापता हो जाने वाला लड़का मिल भी पाएगा या नहीं, और क्या इस बोर्डिंग स्कूल का कोई डार्क पास्ट है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरे एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो जो कॉन्सेप्ट है सीरीज का वो काफी इंटरेस्टिंग है और जो आइसोलेटेड सेटिंग्स हैं स्कूल की वो भी काफी अच्छे से क्रिएट की गई हैं। और जो मेन स्टोरी लाइन है इस सीरीज की जो जुड़ी हुई है मिसिंग लड़के से और उसके दोस्त उसको तलाश कर रहे होते हैं, वो मेन स्टोरी लाइन फिर भी इस शो की इंटरेस्टिंग है। और जब जब इस शो का फोकस मेन स्टोरी लाइन पर रहेगा कहानी में आपका एक इंटरेस्ट बना रहेगा, लेकिन इस सीरीज में मेन स्टोरी लाइन के साथ कुछ सब प्लॉट्स भी साथ चल रहे होते हैं, जैसे कि रोमांटिक टीन ड्रामा जो बहुत ही टिपिकल सा है जिसमें कोई मजा नहीं है और उस पर इस सीरीज में काफी टाइम लगाया गया है। दूसरा एक लड़की जो मेंटली डिस्टर्ब है वो अजीब अजीब चीजों को एक्सपीरियंस कर रही होती है और कुछ डॉक्टर्स उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाते हैं, वो सारा पार्ट भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तीसरा एक मंक का कैरेक्टर है वो एक टीचर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में पड़ जाता है और उस पर भी काफी टाइम लगाया गया है जिसकी जरूरत नहीं थी। मतलब इस सीरीज में कहानी को जरूरत से ज्यादा खींचा गया है और उसी की वजह से आपको इस शो की लेंथ जरूर फील होगी। इस सीरीज की कहानी में आपको फोकस और चीजों में एक प्रॉपर बैलेंस की कमी फील होगी। इस सीरीज में मिस्ट्री और टीन ड्रामा को इतने अच्छे से मिक्स कर हमारे सामने प्रेजेंट नहीं किया गया कि आप शो को स्टार्ट टू एंड कंटिन्यूसली एंजॉय करते रहें। बीच बीच में यह शो मुझे काफी बोर रहा था, बाकी कैरेक्टर्स भी इस शो के थोड़े भी लाइकेबल और रिलेटेबल नहीं है। एटलीस्ट मैं तो इस सीरीज के किसी भी कैरेक्टर में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाया। और बस यही नहीं, सीजन 1 में आपको इस शो की मिस्ट्री से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। आपको इस सीरीज का सीजन 2 लाजमी देखना होगा। तो इसीलिए आप इस सीरीज को उस वक्त देखना शुरू करें जब आपके पास इतना फ्री टाइम और डेटा अवेलेबल हो कि आप सीजन 2 भी देख सकें। पर्सनली मुझे इस सीरीज के सीजन 2 को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे सीजन 1 देखने में कुछ खास मजा नहीं आया। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस इस सीरीज में बस ठीक ठाक सी हैं। शो का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट ये एक बहुत ही मीडियोकर सा शो है जो एक ऐसी ऑडियंस को तो पसंद आ सकता है जिसने अभी इस जॉनर पर ज्यादा कुछ नहीं देख रखा है, लेकिन एक प्रो ऑडियंस इस शो को इजीली स्किप कर सकती है। खैर मैं इस सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 6 out of 10। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों के पास कुछ और अच्छा करने और देखने के लिए नहीं है और अगर आपके पास बहुत ही फ्री टाइम और डेटा अवेलेबल है और अगर आपको टीन मिस्ट्री ड्रामा देखना बहुत पसंद आते हैं तो फिर आप अपने टाइम पास के लिए सीरीज को देखना चाहें तो देख लें, अदरवाइज आप इस शो को इजीली स्किप कर सकते हैं। और हां, इस सीरीज को आप फैमिली के साथ भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस शो में आपको कुछ अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को यह शो कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।